नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की सीबीआई जांच के फैसले को लेकर अब उद्धव ठाकरे सरकार ने देशमुख के बचाव में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट की सीबीआई जांच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के अलावा अनिल देशमुख ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस पर अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के अंदर प्रारंभिक जाँच कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर के आरोपों के मुताबिक देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का निर्देश दे रखा था। उनके इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।